गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नवी वीडियो में। आज हम आ चुके हैं अपने गांव, गांव आके निकल भी रहे हैं, सुबह आए थे निकल रहे हैं और दिखाते हैं पूरा सीन यहां का। और हमारे क्षेत्र में ओनली फॉर गन्ने की ही खेती होती है, इसके अलावा कोई और नहीं खेती होती है। ये रहा सामने वाला मेरा गाँव, गाइस हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज है दूसरा दिन, क्योंकि कपड़े हम चेंज कर चुके हैं। कपड़े से आप लोगों को पता ही चल रही होगा। और गांव से आ गए थे रात में, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया पहुंचने का। चलते हैं हमें डालीगंज पुल की तरफ से। और आम बट खट्टे नहीं, मीठे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ से मलियाबाद में आम मार्केट है ना, और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आम यहाँ मिल जाते हैं, अच्छे आम। ये आ चुके हैं डालीगंज पुल। और आम की आ चुकी है सीजन, बट लिटरली हमने आम अभी तक आम नहीं खाए हैं और ना ही तो जामुन खाए हैं, दोनों की सीजन आ चुकी है। हर जगह मार्केट में केवल आम और जामुन। भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, भाई ने ऐसा बोला। भाई अभी हम वीडियो बना रहे थे पुल के ऊपर, जामुन बेचने वाला भाई डर गया, बोला भाई क्यों वीडियो बना रहे हो, बट हमने उसको कोई रिप्लाई ना देते सीधे चले आए। क्या बताएं उससे कि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे, कोई मीडिया वाले नहीं है। और हम आ चुके हैं डालीगंज पुल से, डालीगंज क्रॉसिंग वाली मार्केट में, जो बीच से रास्ता गई हुई है। और इस मार्केट में केवल आप लोगों को खाने पीने और सब्जी वब्जी की ही, मतलब घर गृहस्थी का पूरा सामान आपको मिलेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा आगे चलने के बाद, मतलब एक से दो किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे कुछ कबाड़ी वाले मिलते हैं, बाकी तो पूरी खाने पीने की मार्केट मिलती है। यार गोलगप्पे देख के खाने का मन कर रहा है, बट कहाँ पे खाएं, चलिए खाते हैं आगे कहीं चल करके। तो हम पहुंच चुके हैं डालीगंज क्रॉसिंग। और आज रूम पर जाने के बजाय चलते हैं दूसरे दोस्त के रूम पे। वाओ कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे बलून्स। और गाइस कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि दोनों एयरबैग तक खुल गए। और ये भाई जो बगल में खड़ा हुआ जिसका चेहरा ब्लर है, यही भाई गाड़ी चला रहा था, इसी एक्सीडेंट के चक्कर में लगी गई इधर है जाम। और एक भाई की किस्मत ने साथ दिया, देखो भाई को एक स्क्रैच तक नहीं आया, ये है ऊपर वाले का इंसाफ।
इस भाई के पास खाते हैं बतासे। 15 से 20 मिनट के बाद इस जाम से हम बाहर निकल चुके हैं, और आप लोग भी भाई ड्राइव प्लीज केयरफुली। क्या शानदार व्यू लग रही है। और अब हम चलते हैं सीतापुर रोड को, बाय बाय कहते हैं, चलते हैं बंदे की तरफ। इतना मस्त सागर है और इसमें आम देख सकते हो, इतने मस्त से लगे। और गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।